लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को मतदान होना है, जहां आज मुंगेर के सफियाबाद हवाई अड्डा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंगेर पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुंगेर, बेगूसराय और खगड़िया लोकसभा के लिए एनडीए के समर्थन में जनता से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा तथा सम्राट चौधरी समेत कई भाजपा के नेता शामिल हुए इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को देखने के लिए लाखों से ऊपर की संख्या में महिला और पुरुषों ने हवाई अड्डा के मैदान में पहुंचे, कमल और तीर के झंडा तथा बैनर से मैदान पाट दिया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 2005 से पूर्व लालटेन युग की याद दिलाई। बोले, लालू राबड़ी के शासन काल में लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। वहीं पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुंगेर की धरती स्वाभिमान की धरती है और ये विरासत की धरती रही है। इस क्षेत्र ने भारत के उस समृद्धि को देखा है जिसकी कल्पना करना मुश्किल हो जाता है। आज एनडीए सरकार भारत की वही समृद्धि लौटाने का प्रयास कर रही है। इस समय दुनिया भी जानती है कि जितनी मजबूत सरकार भारत के लोग बनाए हैं, भारत उतना मजबूत होगा। कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी पर निशाना साधा। बोले, कांग्रेस लोगों को हमेशा बांटने का काम करती है। एनडीए गठबंधन की सरकार 2014 से जब सत्ता में आई है, तब से कई योजना लाकर युवा को रोजगार दिया। पिछले 10 साल से भारत का साख बढ़ा है। आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज दुनिया के हर देश भारत के लोगों को का गौरव बढ़ा है, भारत का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने मुंगेर लोकसभा से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, बेगूसराय लोकसभा से गिरिराज सिंह और खगड़िया लोकसभा से राजेश वर्मा के पक्ष में मतदान करने की अपील लोगों से की। मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, ललन सिंह, गिरिराज सिंह, बाढ़ विधायक ज्ञानेंद्र सिंह, मोकामा विधायक नीलम देवी, सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव, मुंगेर विधायक प्रणव यादव, विधान पार्षद लालमोहन गुप्ता सहित एनडीए गठबंधन के सभी दल के जिला अध्यक्ष मंच पर उपस्थित थे। Thank you.
गठबंधन